महाभारत इंसान को धर्म अधर्म के फेरे में उलझा देती है और हम समझ ही नहीं पाते कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। पर रामायण उस निर्मल जल की तरह है जो हमें सिर्फ नैतिकता और धर्म सिखाता है। प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए कभी किसी छल का सहारा नहीं लिया और इसी कारण रामायण में महाभारत की तरह धर्म ने कभी पलड़ा नहीं बदला और न ही कभी किसी को उलझन में डाला। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भगवान राम और रावण के युद्ध की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुतांश लोग टीवी के कारण ही रामायण को जान पाए हैं, पर टीवी सीरियल में कई अक्षम्य गलतियां हैं और हमारी आज की कहानी विशुद्ध वाल्मीकि रामायण के अनुसार बनी है। जैसे महाभारत में पर्व है, उसी तरह रामायण में कांड है। भगवान राम और रावण के युद्ध का वर्णन युद्ध कांड के 107 और 108वें अध्याय में मिलता है। प्रभु श्री राम इंद्र के दिए दिव्य रथ जिसका सारथ्य मताली कर रहा था और रावण भी अपने दिव्य रथ में बैठा था, दोनों युद्ध की घोषणा करते हैं। भगवान राम और राक्षस राज रावण दोनों के तीरों की बारिश से युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगती है। दोनों तरफ के योद्धा सब कुछ भूलकर इन दो महान योद्धाओं का युद्ध देखने लगते हैं। कोई किसी से कम न था, भयानक रण संग्राम शुरू था, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान राम ने अपने तीरों से रावण के रथ पर लगी ध्वजा को भेद दिया और ध्वजा टूट कर नीचे गिर गई। तब क्रोधित रावण ने मताली पर तीर दागे, पर मताली ने अपने आप को बचा लिया। तब भगवान श्री राम ने एक अद्भुत तीर से रावण के सर को धड़ से अलग कर दिया, पर रावण के कटे सर की जगह एक दूसरे सर ने ले ली। प्रभु श्री राम ने एक के बाद एक रावण के 100 सर काट डाले, पर रावण तब भी जीवित था। युद्ध लगातार 7 दिनों तक चलता रहा। तब भगवान श्री राम के सारथी बने मताली ने भगवान श्री राम से पूछा, भगवान आप जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हो? रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। तब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और आवाहित ब्रह्मास्त्र को रावण की छाती पर दाग दिया। ब्रह्मास्त्र रावण का सीना चीरता हुआ उसके प्राणों को ले गया। प्राणहीन रावण के हाथों से धनुष छूटकर धरती पर गिर पड़ा। रावण की मृत्यु का वर्णन महाभारत के वन पर्व के 274वें अध्याय में भी आता है। इस अध्याय में सुनी गई कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसने राक्षस राज रावण को जीवित जलाकर भस्म कर दिया था और रावण का हर अंग भस्म हो गया था। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण जीवित नहीं जला था, बल्कि वो जला ही नहीं था, रावण का शरीर सलामत था। पर प्रभु श्री राम द्वारा ब्रह्मास्त्र से मारे जाने की बात दोनों कथाओं में समान है। अब आते हैं हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ करने वाले सीरियल्स पर। मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और साथ ही महाभारत में सुना एक कथा, दोनों के अनुसार रावण की नाभि में अमृत नहीं था और ब्रह्मदेव के वरदान के कारण रावण की मृत्यु सिर्फ ब्रह्मा द्वारा बनाए अस्त्र से ही हो सकती थी। जब नाभि में अमृत था ही नहीं तो विभीषण का उस रहस्य का बताना भी झूठ है। दोनों कथाओं में रावण के महापराक्रम का कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि उसके पुत्र इंद्रजीत का है। प्रभु राम और रावण का युद्ध कई दिन जरूर चला, पर इन दिनों में प्रभु राम ने उसके 100 सरों को काट दिया, यानी आप कह सकते हैं कि उसे 100 बार मार दिया था। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बताएं आप क्या सोचते हैं राक्षस राज रावण के बारे में।